आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि SCF कॉइन में हम इन्वेस्टमेंट करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न एंड ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, एंड नया जो वन SCF वाला लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी ऐड करने वाला रूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड क्या क्या रिस्क एंड क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो उनके बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपको ध्यान रखना कि आपकी टीम ने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है अगर आपको उसका कमीशन चाहिए तो आपको सेल्फ की आईडी यानी कि अपनी आईडी पर मन SCF की लिक्विडिटी ऐड करना कंपलसरी है, तभी आपको आपकी टीम का कमीशन मिलेगा। अगर आप GM और उससे हायर रैंक अचीव कर चुके हो तो आपको अपनी आईडी पर वन SCF की लिक्विडिटी ऐड करना कंपलसरी है। उसके साथ साथ 5 डायरेक्ट ऐसे मेंबर हों जो वन SCF की लिक्विडिटी ऐड की हो, तभी आपको GM रैंक और उससे हायर रैंक का कमीशन मिलेगा। अब अगर आप नए मेंबर्स को ज्वाइन करा रहे हो तो उनको कम से कम वन SCF की लिक्विडिटी के साथ ज्वाइन कराएं, जिससे कि उनको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड उनके साथ साथ आपको भी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो कम से कम वन SCF के साथ नए मेंबर्स को ज्वाइन कराएं। SCF कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप और आपके प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये क्या प्रोजेक्ट है एंड इसके बेसिक्स क्या हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली होना चाहिए। SCF कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप और आपके प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये क्या प्रोजेक्ट है एंड इसके बेसिक्स क्या हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली होना चाहिए। नंबर वन, SCF कॉइन ओवरव्यू। आप और आपके प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि SCF कॉइन क्या है, इसका क्या पर्पज़ है एंड इन्वेस्टमेंट करने पर ये हमारे इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से रिटर्न देगा। नंबर दो, लिक्विडिटी एडिशन। आपको खुद से अपनी सेल्फ की आईडी पे वन SCF की लिक्विडिटी ऐड करना चाहिए और आपकी टीम के मेंबर्स को भी इसी तरीके से आपको बताना चाहिए कि मिनिमम वन SCF की लिक्विडिटी ऐड करें, जिससे आप और आपकी टीम दोनों ही प्रॉफिट में रहें। नंबर तीन, रैंक एंड रेफरल सिस्टम। आपको और आपकी पूरी टीम को पता होना चाहिए कि अब टीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको वन SCF की लिक्विडिटी ऐड करना है एंड 5 डायरेक्ट कंपलसरी हैं अगर आपको रैंक का बोनस चाहिए। नंबर चार, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एकदम ट्रांसपेरेंस एंड ऑनेस्ट रहना चाहिए, उनको एकदम रियल इन्फॉर्मेशन ही शेयर करें एंड रियल जो भी रैंक एंड रिवार्ड्स हैं वही बताएँ, अपने पास से कोई भी फॉल्स कमिटमेंट या कोई भी फॉल्स रैंक ना बताएं। नंबर पाँच, रिस्क एंड रिवार्ड्स। आप जब भी नए प्रोस्पेक्ट के साथ SCF कॉइन से रिलेटेड जब भी प्लान का डिस्कशन करने वाले हो तो एकदम उसको ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दें, उसको रिस्क के बारे में भी और उसके इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलने वाला है ये एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसको दें। नंबर छः, टीम वर्क एंड सपोर्ट। आपको SCF कॉइन में वर्क करने के साथ साथ टीम के साथ एकदम सपोर्टिव रहना चाहिए एंड मिलकर काम करना चाहिए, जिससे आने वाले वक्त में आप जल्द से जल्द सारे लोग मिलकर बड़े बड़े रैंक्स एंड रिवार्ड्स अचीव कर सकें। नंबर सात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में एंड SCF कॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एंड उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। नंबर आठ, विड्रॉल प्रोसेस। आपको और आपकी टीम के मेंबर्स को विड्रॉल प्रोसेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मिनिमम विड्रॉल लिमिट क्या है एंड विड्रॉल लगाने पर कितनी देर में रिसीव होता है एंड विड्रॉल की टाइमिंग क्या क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको और आपकी टीम के मेंबर को होना चाहिए। नंबर नौ, कम्युनिकेशन चैनल। आपको और आपकी टीम के मेंबर को SCF कॉइन के ऑफिशियल जो भी कम्युनिकेशन चैनल लाइक वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड ऑफिशियल सपोर्ट, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको और आपकी टीम को होना चाहिए। नंबर दस, एजुकेशनल रिसोर्सेज। आप और आपकी टीम के मेंबर्स को जहां से भी एजुकेशन SCF कॉइन से रिलेटेड मिल रही हो उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे वेबिनार, जूम एंड अदर जो भी इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं आपको उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव। आपको और आपकी टीम के सभी मेंबर्स को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एंड लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 12, स्कैम अवेयरनेस। आपको और आपकी टीम के मेंबर्स को स्कैम से रिलेटेड हमेशा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको जब भी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिशियल सोर्सेज से ही लें, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना करें।
इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप और आपकी टीम के मेंबर ICF Coin में इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करें, एंड हमेशा कंपनी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपनी टीम को हमेशा अपडेट रखें, एंड टीम के साथ एंड अपने साथ कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें।